Hello, students. I welcome you all to today's session. I hope everybody is doing perfect at their places. So, students, today's topic is We need water. Yani ki humme paani ki zarurat hai. Learning topics Scarcity of water in villages and cities. Water is important. How do we use fresh water, potable water, water purification plant, storing water, water shortage, rainwater harvesting? Water is a basic necessity. We cannot live without it. इट इज अ होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस तो वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है इसके बिना हम नहीं जी सकते और एक होमोजिनियस मिक्सचर है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन का We get water from ponds, rivers, lakes, seas, and oceans. These are the sources of water. However, rainwater is the main source of water. The rainwater that seeps into the soil is known as groundwater. So, our main source is rain. And a lot of water which we Scarcity of water in villages and cities. द The where there is इज स्कैंटी रेनफॉल little और नो वाटर द पीपल इन villages, स्पेशली हैव टू गो टू फार ऑफ एरियाज टू गेट वाटर स्कैसिटी यानी कि कम पानी पानी की कमी तो जिन जगहों पे कम बारिश होती है या फिर होती ही नहीं है वहाँ पे पानी की कमी होती है और वहाँ के लोगों को दूर दराज जाकर पानी लाना पड़ता है Many villages do not get water through taps. The villages get groundwater from wells, tube wells, and hand pumps. Many villagers walk long distances to get water for their daily needs. Toh अलग अलग विलेजेस में पानी को निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं जैसे कि ग्राउंड वाटर हो गया रेन हो गया लेक्स हो गए पॉन्स हो गए और ग्राउंड वाटर के निकालने के भी अलग अलग तरीके होते हैं जैसे कि आपका ट्यूब वेल्स हो गया आपके पाइप्स हो गए जो अंदर इंसर्ट करे जाते हैं पंप्स जिन्हें कहते हैं हैंड पंप्स हो गए इन तरीकों से पानी निकाला जाता है सिमिलरली इन सिटीज ऑल्सो पीपल फेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नाउ अडेज मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग टू टाउंस एंड सिटीज फॉर अर्निंग देयर लिविंग this has resulted in overcrowding of the cities as such people living in crowded areas face the problem of having drinking water to solve this problem people use the facility of water tanker the water tanker provides them water for their daily requirement so the cities may ओवरली क्राउडेड पॉपुलेशन है वो इस वजह से है क्योंकि विलेजेस में जिन लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं वो सारे के सारे सिटीज और टाउन्स में शिफ्ट हो जा रहे हैं इसी की वजह से सिटीज और टाउन्स में भी पानी की कमी हो रही है तो इस कमी को पूरा करने के लिए रेगुलर टाइम टू टाइम वहां पर वाटर टैंकर्स अवेलेबल रहते हैं जो उनकी पानी की समस्या को हल कर देते हैं वॉटर इज इंपॉर्टेंट पानी जरूरी है Water is essential for all living things. Without water, there would be no life on the earth. Farmers use water to grow crops. This is called irrigation. तो पानी जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ पेड़ पौधों और जानवरों के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये पानी जो हम फार्म्स में पौधों को उगाने के लिए यूज करते हैं इसे कहा जाता है इरीगेशन ऑल्डो देर इज प्लेंटी ऑफ वॉटर ऑन दी अर्थ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉटर इज अवेलेबल फॉर आर यू द वॉटर वी यूज मस्ट नॉट बी सॉल्टी एज फाउंड सीज एंड ओशियंस इट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज फिक्सड तो इतना सारा पानी होने के बावजूद भी 71% परसेंट तक पानी हमारे अर्थ में है लेकिन थोड़ा ही पानी ऐसा है जो सॉल्टी नहीं है और हम उसको यूज कर सकते हैं तो जरूरी है कि इसको बचा के रखें और ये जो पानी जो हम यूज कर सकते हैं इसे कहा जाता है फ्रेश वाटर फैक्ट 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज सॉल्टी इट इज फाउंड इन ओशन एंड सीज दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और जितना 71% जो पानी है उसका जो 97% है वो सॉल्टी यानी कि नमकीन पानी है इसको हम पी नहीं सकते तो केवल तीन परसेंट ही ऐसा पानी है जो पीने के लिए या ना नहाने धोने के लिए खाने के लिए हम यूज कर पाते हैं एक्टिविटी तो अब एक एक्टिविटी है जिसको आपको खुद से परफॉर्म करना है हाउ डू वी यूज फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर को यूज कैसे करें इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस पीपल टेक वेल्स टू कलेक्ट वाटर दे ऑल्सो यूज हैंड हैंडप टू रेज ग्राउंड वाटर टू द सर्फिस तो विलेजेस में गांव में कुएं खोदे जाते हैं जिसमें पानी निकाला जाता है और साथ ही साथ हैंडपम्प्स या फिर ट्यूब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से विलेजेस में पानी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन सिटीज वाटर फ्राम दीज सोर्स इज स्टोर्ड इन ह्यूज टैंक्स कॉल्ड रेजरवायज फ्राम दीज टैंक्स इट रीचेज आर होम थ्रू बिग पाइप्स सिटीज में यानि कि शहरों में बड़े बड़े शहरों में रेजर्वायज में इस फ्रेश वाटर को कंजर्व किया जाता है और उसके बाद पाइप्स के थ्रू पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं जिनके थ्रू आपके घरों में पानी आता है वी यूज वाटर फॉर वेरियस पर्पसेज सच आइज ब्रीदिंग वॉशिंग कुकिंग एक्सेट्रा और हम अलग अलग है, नहाना, खाना बनाना और पीने के लिए पानी को यूज करते हैं वी आल्सो नो दैट फ्रेशेंटली इंक्रीजिंग वी नीड वॉटर फॉर डोमेस्टिक यूज फॉर इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स गार्डन एंड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स तो हमारी जो वॉटर की जरूरतें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं पानी लिमिटेड है लेकिन उसके यूजेज बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि आपकी इंडस्ट्रीज में यूज होता है फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता, है, में होता है. है, लेकिन इसकी यूजेस बढ़ते जा रहे हैं पोर्टेबल वाटर पोर्टेबल वाटर इज द वॉटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक वाटर एब्सोल्यूटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस पोर्टेबल वाटर वो पानी होता है जिसको हम पी सकते हैं या फिर किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं ऐसे पानी को साफ सुथरा रखना इंपॉर्टेंट होता है साफ सुथरा पानी पीना इम्पॉर्टेंट होता है जिससे कि आपको डिजीज़ेस ना हो और आपकी बॉडी हेल्दी रहे वॉटर कलेक्टेड फ्राम ओपन सोर्सेज लाइक वेल्स रिवर्स एंड लेक्स कैन बी मेड सेफ एट होम बाय फॉलोइंग सर्टन स्टेप्स तो आपका जो पानी है वेल्स का रिवर्स का इसको आप सेफ कर सकते हैं पानी को नीचे के सारे स्टेप्स को फॉलो करके नंबर वन

फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन रिमूव्स पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड अदर इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज इट कैन बी डन बाय स्ट्रेनिंग वाटर थ्रू अ फिल्टर वी कैन ऑल्सो फिल्टर वाटर थ्रू अ क्लॉथ हाउ इट इज बेस्ट टू बॉईल एंड देन फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट दूसरा आपका प्रोसेस है फिल्ट्रेशन इसमें एक फिल्टर पेपर यूज करा जाता है जिसमें आपके पानी को पास करवाया जाता है और जितने भी इनसॉल्यूबल सब्सटेंसिस यानी कि वो सब्सटेंस जो आपके पानी में घुल नहीं सकते आपको दिखाई देते हैं जैसे कि मिट्टी वो सारे फिल्टर पेपर में जाती है और आपका जो बाकी का बचा हुआ पानी है वो फिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है वॉटर प्योरिफिकेशन प्लांट वॉटर दैट कम्स थ्रू एन टू आर होम्स हैज टू बी ट्रीटेड टू रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ डर्ट प्रेजेंट इन इट वॉटर फ्रॉम अ लेक और अ रिवर इज सेंट टू अ अटर ट्रीटमेंट प्लांट जर्म्स आर किल्ड बाई मेकिंग दन लाइट फॉल ऑन इट इन ह्यूज ओपन एयर टैंक्स देन क्लोरिन इज एडेड टू किल टाइनी इंसेक्ट एंड जर्म दैट कैन मेक अस इल वाटर is देन passed थ्रू लेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स बिफोर इट is सेंड थ्रू पाइप इन टू आर होम्स तो आपके बड़े बड़े वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े टैंक्स में पानी को रखा जाता है उनको धूप दिखाई जाती है जिससे कि जर्म्स मरे फिल्टर करा जाता है बॉइल करा जाता है पूरा फिट फॉर ड्रिंकिंग बनाया जाता है उसके बाद ही उनको पाइप्स में डाला जाता है और फिर वो आपके घरों में आते हैं स्टोरिंग वाटर Water must be saved and stored carefully. Tanks, underground or overhead, are used to store water. In our homes, water is stored in buckets and drums for bathing and.

ओवरहेड टैंक्स होते हैं अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं आपके घरों में आप जो आपके बाथरूम होते हैं उसके यूजेज के लिए आप बकेट्स में ड्रम्स में पानी रखते हैं आपके जो किचन होता है उसमें आप लिड वाले बर्तन का यूज करते हैं और जरूरी है कि आप साफ कंटेनर्स लें और इसमें आप डेली पानी को खाली करके नया पानी रिफिल करें वॉटर शॉर्टेज इन सम समार्ट ऑफ अर कंट्री वेरी लिटिल रेनफॉल अकर्स दीज प्लेसिस फेस शॉर्टेज ऑफ वॉटर थ्रू आउट द ईयर वॉटर शॉर्टेज गेट वर्स ड्यूरिंग समर्स पीपल हैव Walk long distances to fetch water. People of these areas face a lot of difficulties due to scarcity of water. वन रीजन फॉर वाटर स्कैसिटी इज वेस्टेज ऑफ वाटर पीपल लीव द टैप्स रनिंग और दे डो नॉट गेट द लीकिंग टैप्स रिपेयर और फिक्सडे ऑल्सो वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर इन द डेली एक्टिविटीज तो काफी सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता है इसका रीजन ये होता है कि जो शहरों में लोग होते हैं या तो अपने नल के खराब होने के बाद उनको ठीक नहीं कराते तो उससे पानी वेस्ट होता रहता है या फिर वो पानी की इतनी वेस्टेज करते हैं कि जो फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर है वो आपको मिल ही नहीं पाता As a result of water shortage, water is not freely available for household use. There is less water to grow crops. There is even a shortage of electricity. If this condition continues for a year or two, we say we are facing a drought. तो अगर ऐसे ही लगातार चलता रहा तो ड्रॉट की स्थिति आ जाएगी इसका मतलब सूखा पड़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में ही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी पानी चाहिए और धीरे धीरे पानी खत्म होता जा रहा है तो हमारी जो जरूरतें हैं वो आगे जाकर पूरी हो ही नहीं पाएंगी रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स स्टोरिंग द रेन वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड यूजिंग इट लेटर बट हाउ इज द रेन वाटर स्टोर्ड First of all, the rainwater is collected in tanks and underground pits. These tanks and pits can store large quantities of water.

इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसके जितने भी एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन हैं, यू हैव टू डू इट योर